Superb, guys. Superb. तो गाइस चलते हैं मनाली मारुड़ की ओर। होप करता हूँ गाइस ये आपको जरूर पसंद आएगा पार्ट। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर हमारे चैनल मॉम वो बाइडी गाइस लेट्स गो। ये डिब्बा देवी टेंपल का इतिहास है गाइस, आप पॉज करके पढ़ सकते हो उसको। काफी ज्यादा प्राचीन मंदिर है गाइस ये, वाओ इसको देख के तो मजा आ गया गाइस। चलते हैं अब लेट्स गो। चढ़ना तो काफी मुश्किल था गाइस, वापस जाना तो बहुत इजी है, बस अपने कदमों पर कंट्रोल रखें और आसानी से पहुंच जाएंगे गाइस। लेट्स गो, मिलते हैं ऑन द वे। थैंक यू। ओके वल्सा लगा। तो गाइस यहां से मैंने एक बुद्धा जी की स्टैचू लिया, बहुत इतनी बड़ी है गाइस आप देख सकते हो, और 450 की बड़ी। बस ये नीचे जाओगे तो आपको 1,000, 1,500, 2,000 की इतने प्राइस पे देते हैं। मैं ऊपर टेंपल में आया था तो मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली। वाइट कलर में लेनी थी वो है नहीं थी उनके पास, तो ब्लैक कलर में ले ली मैंने। अब चलते हैं मारुड़ की ओर। ऊपर जंगल की वजह से काफ़ी अंधेरा हो गया, बाहर बट रोशनी है और व्यू चेक कर सकते हो गाइस कितना शानदार है मनाली का। बाय लक हमें छुट्टियां थी तो हमने प्लान बना लिया, और भाई साहब आपने ये इस ब्लॉग के पहले वाले ब्लॉग देख लिए होंगे, तब तक आप चेक कर सकते हो कि क्या मज़ा किया हमने यार, जिंदगी के मज़े लूटे हैं यार जिंदगी के। अपना कमाना है तो कमाओ, जिंदगी के लिए तो कमाना ही पड़ता है, बट उसके साथ अपनी लाइफ को भी जियो गाइस। मरने के लिए तो जिया नहीं करते, जीने के लिए मरा करते हैं। ऐसे अच्छे होटल भी हैं यहाँ पे, अगर आपने स्टे करना, ओल्ड मनाली में पड़ते हैं ये, गाड़ी ऊपर आराम से आ जाती है, कम ही लोग ऊपर आते हैं तो आप ईजीली अप्रोच कर सकते हो तो आपको बढ़िया मिल जाएगा। वैसे यहाँ से उतरना काफ़ी मुश्किल है, यहाँ से हडिम्बा देवी टेंपल भी नज़दीक है और नीचे को मनाली थोड़ी सी दूर पड़ जाती है, बट नीचे को ढलान होने की वजह से आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ के होटल बढ़िया बने हुए हैं ओल्ड मनाली। बस क्या हो, रास्ते में ये मंदिर ज़रूर मिला, इसके आगे भी एक और मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ था बट वो रास्ते में मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, वो इससे हाफ किलोमीटर पहले ही आता है बट पता नहीं चला किस तरफ है वो, तो मैं वहाँ जा नहीं पाया गाइस और आपको दिखा भी नहीं पाया। वो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे जब कभी आया। तो वैसे मैं घूमता ही रहता हूँ, घूमने का शौकीन हूँ, लाइफ को इन्जॉय करना चाहता हूँ, बस ऐसा कोई मन में शंका ना रह जाए कि भाई साहब ऐसा तो बहुत कमाया बट जिंदगी जीना भूल गया। और ये आ चुका गाइस गेट, और यहाँ से उतर जाएंगे गाइस हम नीचे को। नाइट व्यू उतना ही औसम है जितना इवनिंग व्यू, मॉर्निंग में भी अच्छा हो सकता है बट जो आफ्टरनून है ना उसके लिए वेदर
अच्छा होना चाहिए, वरना बहुत आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस अब हम स्टार्टिंग पे आ चुके हैं मारुड पे, जो नई वाली बनी हुई है, और हम घुसने वाले हैं मारुड पे। क्या बात है, क्या बात है गाइस। और गाइस ये हम आ चुके हैं मारुड पे, देखकर यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, काफी ट्रैफिक होता है यहाँ पे। और चलते हैं गाइस, बस के ध्यान से गाड़ियाँ काफी ज्यादा आती है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए। और मैं पैदल जा चुका हूँ, क्या बात है, सब चेक करना पड़ेगा हमें, हमारे बंदे कहाँ पे हैं। क्या बात है, सुपर व्यू, अपने बंदे ढूंढे हम मनाली मारुड पे। वाह, तो गाइस व्यू चेक कर लीजिए, नाइट व्यू। कल बारिश का था, आज थोड़ा सा आसान है क्योंकि आज क्लीन है वेदर, बट ऊपर बारिश वाले बादल आए हुए हैं, बारिश हो सकती है। अब अपने बंदों को ढूंढ ले, बस ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चेक करना पड़ेगा लोकेशन को। ओके, नीचे हैं हम, और भी नीचे। मुझे लगता है ऊपर चढ़े ही नहीं, दो तीन घंटे हो जाएंगे वो उस लाइटों वाले खंबे के पास भी नहीं पहुंचेंगे वो। मैं अपना टारगेट भी अचीव कर पाया इसी की वजह से, मैं निकल गया इनको छोड़कर। और ये दुर्गा माता मंदिर का दर्शन कीजिए गाइस, वाह, दर्शन कीजिए गाइस दुर्गा माता मंदिर। वाओ, जस्ट वाओ, अब दोबारा चेक करते हैं लोकेशन इसके। तो गाइस एक बंदा मिल गया मुझे और दूसरे कितने आओ। ओके, तो वो मिल चुका है भाई, लड़ाका जहाज मिल गया मुझे। ये मिल गया, ये टोंपू टोंपू टोंपू। ओ तो गाइस हम आ चुके हैं वैष्णो फूड्स एंड कॉर्नर, यहाँ से खाएंगे रोटी, बहुत भूख लगी है। नो, कहीं पे भी चलो,
कैसे हो? तो गाइस अब चलते हैं ब्यास पंजाबी ढाबा पे। मक्की की रोटी सरसों का साग यहाँ पे देखते हैं इसके। रोटी का टाइम गाइस, सुबह से भूल ही गए रोटी खाना, डाल के दे दो भाई इसके। आगे मिलते हैं भाई, छोड़ दे। तो घर जाते जाते फिर मनाली घूमने का मन आया, तो घूमते घूमते गुरुद्वारा साहब पहुंच गए हैं। यहाँ पे भी दर्शन करते हैं, चलो बस गया। तो ये बंद हो चुका है, बाहर से मदर दिखते हैं। तो हमारे लिए दरबार साहब खोलने लगे हैं, ऊपर वाले की मर्जी थी, हमारे लिए उन्होंने दरबार साहब खोल दिया गाइस। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। चलते हैं गाइस, उसके आओ। तो गाइस मैंने तो साइन इन ऑफ कर दिया था, बट घर वाले घूम रहे थे तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले ही को बहुत कुछ कह लिया था। आओ घर को जाएंगे सीधा, मिलते हैं गाइस ऑन द बस। क्या हो तो गाइस मैंने मनाली का एक एक कोना एक्सप्लोर कर दिया भाई साहब, पूरा थक चुके हैं। आओ ये लास्ट हमारा गेड़ा था, तो अब जा रहे हैं रूम में। बस क्या हो, सारा कुछ घूम कर गाइस ये बोल रहे हैं ये मार्केट कैसे रह गई, अब इसमें घुस गए हैं। आती है भाई साहब। क्या बात है, ये देख लीजिए टाटा बस से ही मिलते हैं अंदर रूम। तो गाइस ये लास्ट बार दर्शन कर लीजिए दुर्गा माता मंदिर के, तो अब जा रहे हैं हम रूम में। तो गाइस बस हो गई है पैरों की, ये तो हट ही नहीं रहे थे घूमने के लिए, मुश्किल से पहुंचे हैं रूम में यार। होप करता हूँ गाइस ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो ये सीरीज आपको पसंद है, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल माय ऑलरेडी, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग कीप शेयरिंग। मिलते हैं इन द मॉर्निंग, बस के हो। आज का ब्लॉग एडिट करना है और अपलोड भी करना है गाइस, बहुत से काम बाकी हैं। टाटा बाय, सी यू माय ऑलरेडी।